So, आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एंजल और वीसी फंडिंग और थोड़ा सा लाइट देंगे गवर्नमेंट ग्रांट की, आखिर में इनकी वर्किंग कैसे होती है और ये कैसे हमारे स्टूडेंट्स तक, हम सब तक ये अवेल होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी फंडिंग को लेने से पहले हमारे पास क्या रिक्वायर्ड होता है। हमारे पास एक स्टार्टअप होना चाहिए, स्टार्टअप होना चाहिए। इसकी जब हम डेफिनेशन पे जाएंगे तो स्टार्टअप क्या होता है, तो स्टार्टअप इज समथिंग विच इज एन एंटिटी। एंटिटी क्या है, व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी इज समथिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यू नो, वो स्टार्टअप इंडिया की जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन है एनेक्सस में, कि आपका जो स्टार्टअप हो 7 साल से ज्यादा पुराना ना हो, उसके जो कार्पस हो वो 25 सीआर से ज्यादा ना हो, बायोटेक के केस में वो 10 ईयर के कंडीशन है। तो ये सारी चीजें हैं हमको किसी फंड तक पहुंचने के लिए। इसलिए आज के सेशन में जब हम वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले जो उसका पूरा इकोसिस्टम है उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ आपको इतना मोटिवेट होना चाहिए कि आपको स्टार्टअप करना है। इसके लिए कुछ मोटिवेशनल इंटरप्रेन्योरशिप सेशन होते हैं, हमने आपके ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक हैंडल पर देखा है, कई सारे हमसे पहले भी सेशन हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत एक्सलेंट लोगों ने लिए हैं। कई सारे सेशन आप लोगों ने अटेंड किया है और इसी डायरेक्शन में आज का जो ये सेशन है ये फंडिंग से रिलेटेड है, इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पास आज हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि स्टार्टअप करने के लिए एक्चुअली पैसा कहाँ से आएगा। आप लोग भी यही शायद सुनना और देखना चाहते होंगे, राइट? आप लोग सेशन को एक्टिव दैट मुझे भी सबसे पहले जब आप एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन है उसके बाद एक कोई आइडिया पिक करना होगा। आइडिया ऐसा लीजिए जो आपका अपना हो, किसी और का होगा तो वो आइडिया, तो उस आइडिया के साथ आप समय के साथ धीरे धीरे आप वो छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आगे बताऊंगा क्यों, कैसे आइडियाज आपसे अलग हो जाते हैं और कौन से आइडियाज आपके साथ चलते हैं। जब आपका कोई आइडिया अपना हो तो आप उसका एक सस्टेनेबल बिजनेस प्लान बनाए। बिजनेस प्लान इसलिए हम की बात कह रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको स्टार्टअप में जाना है, अगर आपको एक वेंचर क्रिएट करना है, अगर आपको अपना एंटरप्राइज बनाना है, देन यू मस्ट हैव सम रेवेन्यू मॉडल सो दैट उसमें लोग एसोसिएट हो सकेंगे। लोग आपके साथ कैसे जुड़ेंगे? जब तक आपके पास कोई नहीं होगा, कोई बिजनेस प्लान नहीं होगा, कोई बिजनेस करने का एक बेहतर उसका इनपुट और आउटपुट नहीं होगा। जब आपके पास एक बिजनेस प्लान हो जाए फिर आप इसके थोड़े लीगल एस्पेक्ट जैसे कि रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, आपको एक छोटी कंपनी तो बनानी होगी स्टार्टअप इंडिया या स्टार्टअप के से रिलेटेड किसी भी बेनिफिट को लेने के लिए। जब आपका एक स्टार्टअप शेप लेने लगे फिर आप उसके इनिशिएशन फेज पे आए। हमने किया है सेकेंड फेज में पिचिंग ऑफ टू एक्सपर्ट्स। पिचिंग मतलब होता है उसका प्रेजेंट करना। आप अपना एक पीपीटी बनाइए, जब आप प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली उसमें कुछ लोग कमियां निकलेंगी, कुछ लोग उसके फीडबैक देंगे, कुछ लोग उसमें नई चीजें सजेस्ट करेंगे, उनको इनकॉर्पोरेट करते जाइए। जब ये एक फ्लोर पे आ जाए, लगे कि हाँ ये ठीक है, फिर उसको आप बिजनेस प्लान कम्पिटिशन में लेके जाए। बहुत सारे गवर्नमेंट भी कराती है बिजनेस प्लान कम्पिटिशन, प्राइवेट में तो होते ही होते हैं, बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, बी प्लान कॉम्पिटिशन कराते हैं। उनका मकसद होता है अच्छे बिजनेस प्लान को पिक करना, उसमें भी आपको जाना होगा। ध्यान है कि हर एक जगह जाने पर क्रिटिसिज्म तो मिलेगा, लेकिन अगर आइडिया अपना है तो आप उस क्रिटिसिज्म को झेल पाओगे, क्रिटिसिज्म से आगे निकल करके उसको एक सक्सेसफुल वेंचर की ओर आगे बढ़ा पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, किसी ने कहा ये तो गड़बड़ है तो हमने वहां भी देखा हुआ है, तो आपको भी लगेगा हाँ ये तो गड़बड़ है, ये तो ऑलरेडी है, बट उसमें अगर एग्जिस्टिंग भी है तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें यूनिकनेस आपको ऐड करनी होगी, तो जो एग्जिस्टिंग है उसकी कमी को देखना होगा। तो इस तरह से आप उसको बनाते जाएंगे। फिर आपका स्टेज आएगा टीम बिल्डिंग का। शुरुआत में क्या होता है, जब आप कोई स्टार्टअप करते हैं, कोई प्रोजेक्ट काम करते हैं, अपने ही क्लास के, अपने ही दोस्त, अपने ही घर के लोग उसके टीम में हो जाते हैं, बट जैसे जैसे वो ग्रो करता है नीड के हिसाब से उसमें नए लोग जुड़ते जाते हैं, नए लोग आएंगे, आपकी नीड को समझेंगे और उसके और वो लोगों का जो एसोसिएशन होगा वो उस आइडिया से होगा, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से होगा, ना कि आपकी पर्सनल फ्रेंडशिप से होगा। तो इस तरह से टीम बिल्डिंग धीरे धीरे स्ट्रेंथन होती जाती है। इसके बाद कुछ लीगल और प्रोसीजरल उसके प्रोसीजर्स हैं, इंटरेक्शन टू स्टार्टअप सपोर्ट सिस्टम जैसे इंक्यूबेटर्स वगैरह हैं। ये सारा करने के बाद पार्टिसिपेशन इन स्टार्टअप और इन्वेस्टमेंट के कॉन्क्लेव्स होते हैं, इसमें आप पिचिंग करें, फिर प्रमोशन करें अपने स्टार्टअप को और आगे प्रमोट करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। लास्ट में आता है फंड रेजिंग। फंड रेजिंग के आगे हम और भी आगे डिस्कस करने वाले कि फंड रेजिंग कैसे कैसे हो सकती है। इस स्लाइड में किसी को अगर कोई और प्रश्न हो
जो इसमें लग रहा हो कि और भी इस स्टेज पर होना चाहिए इंटरप्राइज डेवलपमेंट के फेज में, तो आप मुझे सजेस्ट करें, हम लोग मिलकर डिस्कस करें इस पर। सर एक पॉइंट ये कि अभी चैट पे एक क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि एंजल इन्वेस्टमेंट का जो एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है, मतलब एग्जैक्टली मीनिंग पूछना चाह रहा है एक स्टूडेंट। मेरा आज का सेशन यही है और हम उस पर डिस्कस भी लंबे से करेंगे, पूरी दो स्लाइड्स है हमारी पास, तो उस स्लाइड पर भी हम आते हैं। क्यों ये हमने इसलिए बताया क्योंकि एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए ही इसकी जरूरत है। ठीक है सर, तो ओके नेक्स्ट सर, ओके स्लाइड पर ओके देखते हैं जी। ओके सर। अब आते हैं कि इकोसिस्टम की क्या नीड है। मतलब आप तो एक स्टूडेंट होंगे, आई थिंक आप इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी वट एवर, आप किसी ना किसी स्टूडेंट एकेडमिक्स में आप हैं। इंटरप्रेन्योरशिप क्लास में पढ़ना एक सब्जेक्ट है, एमबीए में है, और भी कई मे बी और भी कोर्स में हो आपके, लेकिन ये डिस्कशन तो क्लास में जब होता है तो वो तो फिर मार्क्स और असाइनमेंट और फिर उसके तक जाता है। अगर इस डिस्कशन को हम कैंटीन तक ले आए, कैंटीन तक लाने से मेरा अर्थ ये है, मेरा सेंस ये है कि इस डिस्कशन चार लोग बैठें किसी आइडिया और ये देखें कि इसका बेहतर क्या हो सकता है। कि यूनिवर्सिटी में भी एक कैंटीन तो होगी ही, वहां पर बहुत सारे खाने की चीजें मिलती होंगी। क्या आप लोग कभी ऐसा सोचे हो कि समोसे और चाय सभी खाते हैं, साल का एक साथ अगर हम कैंटीन को पेमेंट कर दें, एक स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूँ, कि ऐसे ये डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम आज स्टूडेंट स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं, और उससे ये निगोशिएट करें तो 10 रुपए का समोसा आप 9.50 में दे दें, 9.5 रुपीज में दे दें, या फिर 10 रुपीज के की चाय को आप 8 रुपीज में दें, क्या ऐसा हो पाएगा? इस तरह की जब डिस्कशंस को हम आगे और कैंटीन में करें, जिससे कि एक फ्री माइंड से हम इस बारे में डिस्कस कर पाए कि हम कुछ बिजनेस रेवेन्यू को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। मैं कैंटीन वाले को तो एक साथ पैसा मिल जाएगा, इसी तरह से आप किसी और ग्रोसरी स्टोर पे आप बात कर सकते हैं। ये आप देखें कि छोटे छोटे बिजनेस मॉडल, छोटे न्यू मॉडल्स को जो डेली लाइफ में हमारे हैं भी और हम उनसे रेगुलर परचेज करते रहते हैं, रेगुलर आते जाते रहते हैं, उनका ट्रस्ट भी है मेरे ऊपर कि हाँ भाई ठीक है, ये बागेंगे नहीं है, उनके स्टूडेंट है तो यहीं के रहने वाले हैं और इन्हें हम पैसे दे सकते हैं या इनको हम क्रेडिट पर सामान दे सकते हैं। तो पहला इस इकोसिस्टम की नीड तो ये है कि हम छोटे छोटे इकोसिस्टम, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल को, छोटे छोटे जो है बिजनेस प्लान को, तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली उसको पर काम करें। क्योंकि जब हम किसी स्टार्टअप पे करने जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, यूट्यूब से बहुत सारे कि हाउ टू मेक बिजनेस प्लान, और वो बिजनेस प्लान बना लेते हैं, बिजनेस को एक एक्सेल में फिट कर लेते हैं, उसमें उसका प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं कि भाई 1 साल में ये होगा, 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, इस तरह के हम बिजनेस मॉडल बनाते हैं। दिक्कत तब आती है जब आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं, फिर वो इस तरह की वो थिंक पे लाता है कि भाई आपका ये है तो इसमें इतना आपके कस्टमर बेस ये होगा, आपका इनपुट इतना, इनटेक ये है, आउटकम क्या रहेगा। अभी से अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी छोटे बिजनेस मॉडल्स का, छोटे रेवेन्यू मॉडल्स का वो थिंकिंग, वो पेपर पर, वो पेन पे, वो कॉपी पर आप अगर करें, डायरी पे करें, सो दैट आप एक बेहतर वो बना पाएंगे, तभी आप एक बेहतर सिस्टम जनरेट कर पाएंगे एक रेवेन्यू मॉडल के लिए, एक बिजनेस प्लान के लिए। ये तो बिजनेस प्लान बन गया। बहुत सारे देश भर में इंक्यूबेटर्स हैं, करीब 150 से ज्यादा तो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं। नीति आयोग से फंडेड कई सारे अटल इनोवेशन मिशन हैं, अटल कम्युनिटी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। उनकी नीड क्या है? हर एक इंक्यूबेटर एक स्पेसिफिक डोमेन है, देन यू हैव टू फाइंड कि आपके वाला डोमेन किस इंक्यूबेटर में आपके आइडिया को सपोर्ट मिल सकता है, किस आइडिया को आप कौन सा इंक्यूबेटर है, जैसे कि आपका सपोज दैट एग्री से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई आइडिया है, तो आपके पड़ोस में ही IIM काशीपुर का FIED इंक्यूबेटर है, दे हैव ऑल्सो एग्रीकल्चरल फंड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड एंड सेंट्रल, तो आपका आइडिया वहां पे फिट बैठेगा। अगर आप आइडिया को लेकर के सपोज किसी फिनटेक को प्रेजेंट करोगे तो वो नहीं फिट बैठेगा। फिनटेक का आइडिया अगर आपके पास है कि फिनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको इनोवेशन कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, देन यू शुड कम सिडबी इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ,
इनके पास फिनटेक का ही आइडिया, क्यों इंटेक करेंगे, फिनटेक को ही ये इंटरटेन करेंगे, अदर्स को ये कोई बात नहीं करेंगे। आएगा तो हो सकता है बहुत अच्छा आइडिया हो, मैनुअली किसी और को रेफर करें, बट इनका जो डोमेन है वो फिनटेक है। एम काशीपुर का डोमेन एग्रीकल्चर है, इसी तरह से आई आई टी कानपुर का IoT है, ऐसा ही है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है। इस तरह से आपको अपने आइडियाज को इंक्यूबेटर के साथ नेटवर्किंग करना पड़ेगा। बहुत सारी फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स हैं, DST लगातार के लिए सीड सपोर्ट फंड निधि, प्रयास निधि, IR, इंक्लूसिव IT, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारे गवर्नमेंट के असिस्टेंस के प्रोग्राम्स हैं, इनको भी आपको एक्सेस करना चाहिए। एक्सेस करने से क्या होगा, आपका एक नेटवर्क बिल्डअप होगा, आपको इस कम्युनिटी के जानने वाले लोगों से आपकी जान पहचान मिलेगी। कैपिटल कुछ भी हो बट आपका जो अपना नेटवर्क होता है एक स्टार्टअप में, वो बहुत मायने रखता है, वो आपको बहुत सारे लर्निंग्स मिलती हैं। हमें लगता है कि हर संस्थान में एक स्टूडेंट की एडवाइजरी कमेटी हो जो कुछ फैकल्टी मेंबर्स हो, क्योंकि क्या होता है कई बार आइडिया आपका बहुत अच्छा है, आपने सब कुछ काम कर लिया और किसी इन्वेस्टर से आपके कॉन्टेक्ट भी हुए और उस इन्वेस्टर ने आपके ही आइडिया को ओन कर दिया। ये ऐसी स्थितियां ना आए इसके लिए एक ऐसी कमेटी हो, एक ऐसे कुछ लोगों का पूल हो जो इस बात को डिस्कस करके ये ब्रेनस्टॉर्म करके ये समझ सकें और दूसरों को सबको भी समझा सकें कि हाँ एक्चुअली इस आइडिया में कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इस इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कितना इक्विटी देना है, कितना शेयर इसका हम दे सकते हैं, क्या इसे डेप्ट के लिए डेप्ट लिया जा सकता है इस पर्टिकुलर स्टार्टअप के लिए। आप लोगों को डेप्ट और इक्विटी के बारे में आइडिया होगा। इसमें क्या MBA के स्टूडेंट्स हैं फरहान सर? जो लोग MBA कर रहे हैं या कर चुके होंगे या उनको डेप्ट और इक्विटी का अच्छा आइडिया होगा। मैं बस इतना बता लेना चाहता हूँ, डेप्ट मीन्स आप किसी से पैसे जब ले रहे हैं तो उसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इक्विटी में क्या होता है, शेयरिंग हो जाती है, यानी आपका रिस्क भी वो शेयर्ड होगा, जबकि डेप्ट के केस में अगर आप लॉस में जाते हैं तो भी आपको वो पैसा रिटर्न करना ही पड़ेगा, जबकि इक्विटी के केस में आपको वो पैसे तो नहीं बट वो शेयरिंग रहती है, शेयरिंग बेस पर रहता है। कई सारे स्टार्टअप्स को डेप्ट के लिए मना किया जाता है कि आप डालें, अदरवाइज इसका इम्पैक्ट बहुत निगेटिव हो जाता है। वहीं जब कंपनी अपने आप पे चल जाती है तो फिर डेप्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, डेवलपमेंट की क्या क्या फेजेस हैं, इनकी क्या सर्विसेज हैं। सबसे पहले इस स्लाइड को अगर आप ध्यान से देखें, अभी हम उस पर VC फंडिंग पे आने वाले हैं, इसलिए पहले ही हम सबको माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे काम करेंगे। सबसे पहले होता है आइडिया क्रिएशन, यानी आपका आइडिया, फिर उसका होता है वैलिडेशन इन द सेंस उसको बहुत जगह पे लेकर गए, बहुत सारे लोगों से बात किया, उन्होंने कुछ ने अच्छा कहा, कुछ ने बुरा कहा, जिसने अच्छा कहा उसका वेलकम, जिसने बुरा कहा उसकी भी बात को हमने फीडबैक के रूप में रखा आपके पास कि ठीक है इसको भी हम चेक करेंगे। फिर उस प्रोडक्ट का हम वैलिडेशन करते हैं कि भाई जो हमने बनाया प्रोडक्ट वो कैसा है। फिर उसके बिजनेस का वैलिडेशन होता है मार्केट में। नीचे की सीट के उसमें देखें तो यहाँ पर टीम लिखा हुआ है, टीम भी समय के साथ साथ बदलती जाती है, टीम में भी बहुत ज्यादा डायनेमिक्स होता है, जितना बिजनेस आइडिया का फीडबैक के आधार पर वो चेंजेस होते हैं उसी तरह से टीम भी, क्योंकि शुरू में जैसे हमने पहली स्लाइड में बताया कि शुरुआत में टीम कैसे बनती है, शुरुआत में टीम बनती है अपने पर्सनल रिलेशन से, जो अच्छे दोस्त हैं वो हमारी टीम में होते हैं, मेरे फैमिली होते हैं, फिर धीरे धीरे वो टीम जब क्रिटिसाइज होती है, कई जगह आप प्रेजेंट करने जाओगे आपको रिजेक्शन मिलती हैं, कई जगह आपको अप्रिसिएशन मिलते हैं, फिर धीरे धीरे वो लोगों को ये पता चलता है कि भाई हम तो दोस्त बहुत अच्छे हैं बट हमारा आइडिया जो है वो बेहतर है या उसमें और कुछ है, उसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, और इस तरह से उसमें नए नए लोग जुड़ते जाते हैं। यानी शुरू में स्टेप वन पे जो एक इमोशनल टीम थी वो धीरे धीरे प्रोफेशनल टीम हो जाती है, फिर आप ऐसे लोगों को अपनी टीम में लेते हैं जिनको आप संभवतः नहीं जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी वेबसाइट बनाने के लिए किसी अपने फ्रेंड को अप्रोच करेंगे, वो कहेगा ठीक है हम आपके टीम में हो जाएंगे, आप मुझे अपने BOG का मेंबर बना लीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लिखिए। तो इस तरह के लोग आते हैं, आपको भी पैसे तो है नहीं अभी, तो उनको आप क्या करेंगे, आप ठीक है हमारे बोर्ड में आ जाएंगे, आप मेंबर बन जाइए कंपनी के और हमारे पूरा सॉफ्टवेयर का सेक्शन देख लीजिए। इसी तरह से किसी को आपने मार्केट के लिए सेलेक्ट करेंगे, वो आपकी टीम का हिस्सा होगा। फिर ये जो टीम धीरे धीरे बनेगी ये कमिटमेंट होगी,
इसका वैलिडेशन हो जाएगा सबके साथ साथ। ऊपर जैसे प्रोडक्ट का वैलिडेशन हो रहा है, अगर आप स्लाइड में देखें ऊपर प्रोडक्ट का वैलिडेशन होता है, नीचे टीम की कमिटमेंट का वैलिडेशन होता है। ये टीम अब ये धीरे धीरे इस लायक हो जाएगी कि ये फंड को सर्वाइव कर पाए, क्योंकि इनिशियली जो टीम थी वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं थी, जो आपका बिजनेस आइडिया था वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं था कि वो वेंचर या कैपिटल के फंड को कैसे यूटिलाइज करना है। अब ये जो टीम होगी, अब ये जो बिजनेस होगा, ये इस लायक हो जाएगा कि हमें किस स्तर से और कितने लोगों को इस टीम में रखना है, सो इस पूरे स्टार्टअप को आगे चला पाए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। स्टार्टअप की नीड क्या होती है, ये स्लाइड अच्छी स्लाइड है। देखिए दो ही चीजों की नीड होती है, एक तो पैसा चाहिए और दूसरा सपोर्ट चाहिए। पैसा चाहिए बिजनेस बढ़ाने के लिए, यानी बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। सपोर्ट चाहिए उसको जो है पीछे ना जाए, बिजनेस में घाटा हो, बिजनेस में लोगों के क्रिटिसिज्म को झेलना, लोगों को और मार्केट में अपने आप को स्ट्रेंथ करने के लिए सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। कैश तो मिलने के दो तीन तरीके होते हैं, जैसे कि कंपटीशन आए और कुछ पैसे आए, जीते हैं 1,00,000, 2,50,000। पिछले जो आपके यहाँ ट्रायथन हुआ था उसमें भी कुछ लोगों विनर रहे होंगे, हैकाथन में बहुत सारे लोग विनर होते हैं। ऐसे ही ये तो गवर्नमेंट AICTE के इनिशिएटिव है, बहुत सारे और भी ऐसे इनिशिएटिव होते हैं, छात्र सुकन्या छात्र अवार्ड है और उत्तर प्रदेश सरकार के भी कई सारे ऐसे इनोवेटिव प्रोग्राम्स होते हैं। कई एंजल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स ऐसे इवेंट कराते रहते हैं जिसमें हम लोग के कुछ अमाउंट कुछ कैश मिलते हैं अगर आपका बिजनेस प्लान अच्छा हुआ तो। दूसरा है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का अर्थ यह है कि क्राउड फंडिंग का दो फायदा होता है, एक तो जब आप क्राउड फंडिंग से पैसे जनरेट करते हैं तो आपका प्रमोशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहला होता है रिवार्ड बेस्ड और एक होता है इक्विटी बेस्ड। क्राउड फंडिंग भी दो तरह से, अभी आप एंजल और इन्वेस्टमेंट पर जब आने से पहले ये दो चीजें समझें। रिवार्ड बेस्ड क्या हुआ कि सपोज आपने एक संस्थान के लिए अपने यूनिवर्सिटी के लिए आपने प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्लेसमेंट या कुछ वेबसाइट बनाई, कैंटीन के लिए कुछ एप्लीकेशन बनाया, मोबाइल एप्लीकेशन बनाया कि कोई भी फैकल्टी कोई भी स्टूडेंट अपने मोबाइल ऐप से एक चाय एक समोसे का ऑर्डर करेगा वो कैंटीन वाला उसको पहुंचा जाएगा। बट ये बनाने के लिए इसके प्रमोशन के लिए जो सर्वर आपको परचेज करना होगा, जो डोमेन लेना होगा, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो आपने कैंटीन वाले से कहा कि आप ऐसा है, या आपने यूनिवर्सिटी से कहा कि मैनेजमेंट से कि सर ऐसा आप मुझे 1,00,000 रुपए दे दीजिए और हम आपको 1,00,000 रुपए में ये सर्विस 1 साल के लिए फ्री है। तो ये हो गया रिवार्ड बेस्ड, आपको कुछ रिवार्ड मिल गया और उस पैसे को आपने दूसरी यूनिवर्सिटी ने उससे अपने ऐप को एक बिजनेस मॉडल के रूप में चलाया। दूसरा हो सकता है बेस्ड, अब यही आपका कैंटीन वाला कहेगा ठीक है आपको 1,00,000 रुपए तो दे रहे हैं, लेकिन इस आपका जो स्टार्टअप है कि ऑनलाइन विद इन यूनिवर्सिटी आप कोई भी चीज मंगा सकते हैं, इसमें आप मुझे 5% की इक्विटी देंगे। आप अदर यूनिवर्सिटीज में भी काम करिए, पूरे देश पे काम करिए, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा तो 5% का आप प्रॉफिट भी हमको देते जाएंगे। अब देखिए दोनों में क्या हुआ, जैसे ही ये आप फंडिंग आएगा क्राउड बेस्ड, चाहे आइदर रिवार्ड और इक्विटी, आपका प्रमोशन होगा। क्यों? क्योंकि कैंटीन वाले का भी तो ये इंटरेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा ये प्रोडक्ट चले, ज्यादा से ज्यादा ये एप्लीकेशन लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल हो जाए जल्दी से जल्दी। ये फायदा को डेप्ट में नहीं मिलेगा। डेप्ट अगर आप लेंगे बैंक से ले लिया, समवन किसी और से ले लिया, तो वो तो बस ये देखेगा कि 1 साल हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इतने रुपए इस पर इंटरेस्ट मुझे मिल जाने चाहिए। हुआ कैश को अरेंज करने का तरीका। दूसरा हो सकता है सपोर्ट इंक्यूबेटर आए और वहां पर कोवर्किंग स्पेस मिले। इंक्यूबेटर्स आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, एक ऐसा कॉमन वर्क एरिया जहाँ पे बहुत सारे बिजनेस प्लान्स इंक्यूबेट किया जाता है, बहुत सारे बिजनेस प्लान्स को वो इनिशियल सपोर्ट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका भी आइडिया है, आपको उसे आगे चलाना है तो उसके लिए एक कंपनी बनानी पड़ेगी, एक CA का उसमें लगेगा लगभग 15,000 से 20,000 रुपये, प्लस IPR कराना है अगर आपका आइडिया अच्छा है, रिसर्च पेपर पब्लिश करना है और इसमें और भी कोई लीगल फॉर्मेलिटी करनी है आपके स्टार्टअप को लेकर के, तो वो सारा काम आपका इंक्यूबेटर है। कोवर्किंग स्पेस मिल जाता है, यानी आपको अगर स्टार्टअप करना है बिजनेस चलाना है तो कहीं बाहर मार्केट में जाकर के आप बैठेंगे सारा पैसा लग जाएगा तुरंत अपने ऑफिस को सेटअप करने में। वो एक इनिशियली एक वर्क स्टेशन या दो वर्क स्टेशन का कोवर्किंग स्पेस मिल जाता है, तो आप अपने आइडिया को इनिशियली सस्टेन कर लेते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, लेट अस से 1.5 ईयर या 2 ईयर।
ये दोनों मिल जा तब जाकर के स्टार्टअप का सपोर्ट विच यू नीड टू मोर राइट नाउ, जिसमें आपको और ज्यादा फंड चाहिए, थोड़ा और पैसा चाहिए, गिव मी मोर कैश, छोटा पैसा चाहिए, एबिट चाहिए तो एंजल इन्वेस्टमेंट, ज्यादा चाहिए तो वीसी फंडिंग, और ज्यादा चाहिए तो एक्सीलरेटर। जो लास्ट में तीन बबल्स बने हुए हैं ये इसीलिए है, ये अभी हम आपको पिक्चोरियल फॉर्मेट में दे रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसको थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये कैसे, क्या डिफरेंसेस है, क्या डेफिनेशन है जो आपके एक फ्रेंड ने भी पूछी थी। यहाँ पर किसी को अगर इस स्लाइड से रिलेटेड किसी की अगर कोई कंसर्न हो तो मुझे शेयर करें, सो दैट हम लोग उसको आगे और भी अच्छे से कवर करेंगे। प्लीज सर चैट पे एक क्वेश्चन है जी। एक्चुअली जो सर स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, मैक्सिमम फिजियोथेरेपी बैकग्राउंड के, तो इक्विटी, एक स्टूडेंट इक्विटी पूछ रहे थे कि इक्विटी का एग्जैक्ट मीनिंग। इक्विटी अभी मैंने जो इक्विटी और डेब्ट पे बात की थी जी सर, जी सर हाँ एक हाँ मतलब इक्विटी और या फिर जो हाँ, मैं बताता हूँ। ओके सपोज दैट आपका स्टार्टअप है जिसको एक छोटा नंबर लेते हैं 1 लाख रुपए या 1,000 रुपए, उसका वैल्यूएशन है। अब वैल्यूएशन कैसे निकलता है, ये कंपनी के प्रोजेक्शन पे आता है। आपने सबसे पहले स्टार्टअप क्रिएट करेंगे, उसके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने बना लिया, लेट अस से योर नेम प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी होगी, उसका वैल्यूएशन कर लिया 1 लाख रुपए। अब इस कंपनी में आपने पैसे जुटाने शुरू किए, आपके कुछ दोस्त आपको क्या करेंगे कि भाई ठीक है 10,000 तुमने लो, 20,000 तुमने लो, वो पैसा वो अपने फ्रेंडशिप पे देंगे, वो हो गया इन्वेस्टमेंट। लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा ना, वो तो एक बार देगा दूसरी बार फिर नहीं देगा, फिर आपको ऐसे लोन की जरूरत पड़ेगी कि पैसे आपको समय समय पर देते रहे। ऐसे लोन जो होंगे वो कहलाएंगे इन्वेस्टर, यानी समवन हुज प्रोफेशन इज इन्वेस्टिंग, इसका इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर का क्या फायदा होगा, वो कहेगा कि मुझे रिटर्न रिटर्न तो बात की बात है, रिटर्न तो आप करते हुई हो, लेकिन मुझे हाई रेट का रिटर्न चाहिए, वो भी कि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा उसी प्रोपोर्शन में मेरा मेरा भी प्रॉफिट बढ़ता जाए। इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है ये कहलाता है इक्विटी बेस्ड। इक्विटी मीन्स एन स्मॉलेस्ट अमाउंट एंड स्मॉलेस्ट शेयर ऑफ द कंपनी। आपकी कंपनी में 1 लाख रुपए में अगर किसी ने या 10% का इक्विटी लिया है तो उसके वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 लाख का 10%। किसी ने 20% इक्विटी लिया तो 1 लाख का 20%, किसी ने 2% की इक्विटी लिया तो 1 लाख का 2%। आज के समय में वो पैसा आपको देगा, रिटर्न उसको तब मिलेगा जब आपकी कंपनी रेज करेगी, कंपनी बढ़ती जाएगी, जिस रेशियो में आपके 98% बढ़ेंगे उसी रेशियो में उसके 2% भी बढ़ते जाएंगे। ये फायदा होता है इक्विटी, लेकिन इक्विटी के भी प्रॉब्लम है, मतलब इक्विटी शेयरिंग, अभी मैं वीसी फंडिंग पे इसको और डिस्कस करूंगा, क्योंकि जब वो इक्विटी देगा तो उसके डिसीजन में भी तो उसका हिस्सा आ जाएगा। भाई आप कहना चाह रहे हो कि हम अपने बिजनेस को अभी मुरादाबाद तक ही सीमित रखेंगे, वो कहेगा नहीं आलो और यूपी आप करिए, आप कहेंगे कि आपने तो केवल 5% 5,000 रुपए दिए हैं और आप पैसा कैसे डिसीजन ले सकते हैं, तो कहेगा ठीक है तो फिर आप मेरे मेरे जो पैसे मैंने दिए आप मुझे वापस करिए। इनिशियल स्टेज पे इस तरह के कॉन्फ्लिक्शंस होते हैं इक्विटी बेस्ड में, लेकिन जब ये स्टार्टअप आगे बढ़ जाता है तो फिर इक्विटी बेस्ड इजी हो जाता है। आई थिंक मैं इक्विटी को समझा पाने में सक्षम हूँ, अगर जिसने पूछा है वो, अगर क्योंकि मैं भी चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ, मैंने स्क्रीन कर हाँ, नहीं सर क्लियर है, वो मैसेज एक्चुअली मेरे उस पे प्रोफाइल पे किया था, हो गया सर। अब आते हैं नेक्स्ट उस पर एंजल फंडिंग, इसमें इक्विटी वाला केस और ज्यादा क्लियर होगा। एंजल फंडिंग अर्ली स्टेज के डेवलपमेंट के लिए होता है, अर्ली स्टेज का जो स्टार्टअप है उसके लिए हम लोग एंजल इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब लेते हैं, जैसे लखनऊ में एंजल नेटवर्क है, कानपुर का एंजल नेटवर्क है, होपफुली मुरादाबाद में भी कोई एंजल नेटवर्क होगा। वीसी फंडिंग होता है लेटर स्टेज के लिए, जब उसका कुछ कंपनी वंपनी बन गई है, जैसे आप देखें कि, और एंजल फंडिंग कौन करता है, ये भी सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनका अपना बिजनेस कुछ चल रहा है, साथ में थोड़ा थोड़ा एंजल इन्वेस्टमेंट भी करने लग गए हैं। ऑन द अदर हैंड वीसी फंडिंग में कंपनीज होती हैं, पूरा उनका यही पोर्टफोलियो होता है, वो क्या करते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो इस तरह के इन्वेस्टमेंट करने में सक्षम हो या करना चाहते हो।
यूजर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लेवल पर ही एंजल इन्वेस्टमेंट मिलता है। आपका भी आइडिया है, आप उसको कहीं पर दिखाना चाहते हैं, उसको आप एक एंजल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर से आप उसको कॉन्टेक्ट करते हैं, वो कुछ पैसे 10,000 से लेकर के 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक ही होता है एंजल इन्वेस्टमेंट, इससे ज्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे होता है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है। कंपनी भी आपने किसी को, अपने फ्रेंड को, अपने फैकल्टी को अपने इन्वॉल्व किया कि सर मेरा आइडिया बहुत अच्छा है बट मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, तो वो कुछ आपको पैसे कहेंगे। अभी हमारी स्लाइड पर कुछ और भी चल रहा है, मैं इसके आपको भेज दूंगा सारे। तो इस तरह से जब इन्वेस्टमेंट होगा तो वो एंजल इन्वेस्टमेंट आएगा। पीओसी बन गया है, उसमें कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए पैसा चाहिए, फिर वो वेंचर कैपिटलिस्ट, क्योंकि वो कंपनी है उसको हाई रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है। वो पहले देखेगा आपका प्रोडक्ट बिक भी रहा है नहीं बिक रहा है। एंजल इन्वेस्टर्स बहुत कई बार फ्यू टाइम्स ये सोसाइटिकल कंट्रीब्यूशन में भी होते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में भी एंजल इन्वेस्टमेंट मिलता है, देखने को मिलता है। जबकि वीसी फंडिंग तो केवल कॉम्पिटिटिव और सेलेक्टिव वेंचर्स को ही मिलती है, जिसका बहुत अच्छा चल रहा है, जिसका अपने आप में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, वो लोग ही इस पर जो है काम करते हैं। जब वीसी फंडिंग होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी एक हिस्सा लेगा, जबकि एंजल इन्वेस्टर आपके रिलेशनशिप के आधार पर, आपके जिसमें दोनों तरफ का फायदा हो जाए, इस तरह से रहता है। यानी मोटा मोटा ये समझ सकते हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट मीन्स बेसिक लेवल ऑफ फंडिंग, जो आपको आपके टर्म्स पर, आपके ट्रस्ट पर, आपके मेहनत पर मिल जाता है। वीसी फंडिंग जो आपके इंटरप्राइज के कॉम्पिटेंस पर, आपके बिजनेस आइडिया के कॉम्पिटेंस पर, आपके एक टीम के कॉम्पिटेंस पर, आपके बिजनेस प्लान के कॉम्पिटेंस पर फंडिंग होती है, वो वीसी फंडिंग है। दोनों के नतीजे भी ऐसे ही हैं कि भाई जब वीसी फंडिंग होगी तो आपके डिसीजन का भी हिस्सा बन जाएगा। एंजल इन्वेस्टमेंट होगा तो वो कहेगा ठीक है आप इतने पैसे लो, आप अच्छा काम करो, आगे आगे जब आपका आएगा तब आप मुझे वापस कर देना। बहुत सारे केस में तो लोग वापस भी नहीं करते हैं। और जिसने इस एंजल फंड को, जो छोटा वाला पैसा, उसको ठीक से यूटिलाइज कर लिया, उसको अपने खर्चे में, अपने लिए, अपने मतलब यू नो मोबाइल खरीदने में, अपने लिए शर्ट खरीदने में खर्च नहीं किया, अपने स्टार्टअप पे लगाया, वो डेफिनेटली आगे बढ़ता है। एटलीस्ट वीसी फंडिंग तक तो गेन करता ही करता है, उसके बाद आगे मार्केट की एक्सेप्टेंस वो किसी के हाथ में नहीं होती है, वो नहीं कहा जा सकता है, बट एंजल इन्वेस्टमेंट का सुटेबल यूटिलाइजेशन आपको आगे डेफिनेटली बढ़ाता है। ऐसा मेरा 4-5 साल में अनुभव रहा है। जिन लोगों ने इसको नहीं यूटिलाइज कर पाए, उस जगह क्या होता है, जैसे ही एंजल इन्वेस्टमेंट मिलता है, पीओसी बन गया, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट आ गया, तो 2-4 न्यूज़पेपर में भी नाम छप जाता है कि भाई दिस स्टार्टअप, ये स्टार्टअप यहाँ पे है, ऐसा ऐसा, फिर वो एक फीलिंग आती है कि हम तो अब एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। वो फीलिंग फिर आपको बहुत अच्छा नहीं होता है। जब तक क्रिटिसिज्म होता है, आप क्रिटिसिज्म को फेस करते हैं, आप लोगों को सुनते हैं, लोगों की फीडबैक को अपने स्टार्टअप में करने की कोशिश करते हैं, अभी तक तो के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और मुझे तो लगता है कि स्टार्टअप सभी को करना भी चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप करने से सिर्फ आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाते हैं, आप एक सीईओ का फाउंडर नहीं बन जाते, बल्कि आपको बहुत सारा फायदा मिलता है आपकी लर्निंग में। आपका जो एक ओनरशिप की फीलिंग आती है कि ये मेरा आइडिया है, इस पर किसी ने ऐसा कमेंट किया तो कैसे किया, और उस कमेंट का मेरे पास काउंटर कमेंट क्या है, वो आप खोजते हो अपने आइडिया को लेकर के। सपोज दैट अभी मैंने छोटे छोटे दो आइडियाज बोले, एक कैंटीन के लिए, एक आपकी कॉलेज के लिए कोई ऐसी प्लेसमेंट का, यू नो आपने मैच मेकिंग की बहुत सारे एप्लीकेशन देखे होंगे, उसमें आप स्वाइप करते हैं तो आपकी प्रोफाइल से मैचिंग किसी की प्रोफाइल को दिखाता है थ्रू AI। ऐसा क्या आप लोग एक कंपनियों के लिए बना सकते हैं कि CS वाले को CS की कंपनियां दिखती जाएं, IT वाले सिविल के बंदे को सिविल की कंपनियां दिखें, डेटाबेस आप मैनेज करें बैकएंड पर, इस तरह के एप्लीकेशन, या ऐसा एप्लीकेशन बनाएं जिसमें बहुत सारे लोग आकर के कुछ नए अपने इनपुट्स राइटअप शेयर कर पाएं, तो इस तरह का कुछ अगर आप सोच भी रहे हैं, अगर वो ये मेरी सोच है, मैंने भी कहीं और से सुना है, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन जब ये आपका अपना ओन होगा, किसी ना किसी का तो ओन है ही है ऑलरेडी, तो वो इसके लिए क्रिटिसाइज होने को तैयार होगा, जबकि हम और आप इसके लिए नहीं तैयार होंगे। हमें बस अच्छा लगा, हमने बता दिया आपको, आपने सुन लिया, आपको भी, लेकिन क्या आप इसे ओन कर सकते हैं? ओन आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर वो पेशेंस होगा कि इस पर कोई कितना भी इसकी आलोचना करेगा तो मैं उसका
काउंटर करूंगा, बट उस आलोचना को रिजॉल्व करते हुए। उस केस में आपका आइडिया अपना होता है, उसी केस में आप ग्रो कर पाते हैं, उसी केस में आप एंजल इन्वेस्टमेंट को सही से यूटिलाइज कर पाते हैं। आगे चलते हैं कि स्टार्टअप की लाइफ साइकिल कैसे आगे रन करती है। तो सबसे अच्छा और सबसे आसान होते हैं हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और कुछ फूल्स, जिनसे हम प्री सीड, यानी कि बस अभी आइडिया है सर, कुछ पैसे दीजिए और हम इसका जो है कंपनी बनाते हैं या एक इसका POC बनाते हैं। फरहान सर भी सोचेंगे ठीक है, हमारे संस्थान का स्टूडेंट है, इसका कुछ हमें सपोर्ट कर देना चाहिए। लेट अस सी, चल जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे फ्रेंड्स आपको मिलते होंगे, आप फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास बहुत सारे इनोवेटिव ग्लव्स आ रहे हैं। इस समय कोविड के केस में आप देखें तो बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट आए हैं, वो लोग भी आपका इन्वॉल्वमेंट चाहते होंगे कि भाई इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस ऑफ कि जब आप उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपका जो फीडबैक होगा वो उस मैन्युफैक्चरर के लिए एक काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप उसे क्रिटिसाइज भी करेंगे तो भी वो उसे शामिल करेगा कि हमें क्यों ऐसा कह रहे हैं आप, क्या दिक्कत है इसमें। फरहान सर का मोबाइल नंबर है मेरे पास, मैं कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स उनको भेजूंगा, वो आप लोगों तक शेयर करेंगे। देखिएगा आप लोग, मैं भी आप लोग उसको और कुछ इनोवेशन में बेहतर कर। तो पहला स्टेज तो ये था जब आप फ्रेंड फैमिली और फूल से पैसा ले लेते हैं, इसको प्री सीड बोलते हैं। टिपिकल रेज करीब 1 मिलियन से कम ही रहता है, इसमें वैल्यूएशन भी कंपनी का 1 से 3 मिलियन के अंदर ही अंदर रहता है। फिर आता है सीड फंड, यानी कि छोटा पैसा, यानी VC फंड जिसको कहते हैं। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आप बना दीजिए मेच्योरिटी में, एक प्रोटोटाइप बना के दिखाइए, कुछ कैपिटल भी आप टिपिकल कुछ पैसे भी रेज करिए और वैल्यूएशन भी आपकी ठीक ठाक हो जाए 3 से 10 मिलियन के आसपास। मेच्योरिटी जब मेच्योर हो गए, फिर सीड ए, सीरीज बी, सीरीज सी और फिर पब्लिक ऑफरिंग, ये काफ़ी समय के बाद की बात है। सबसे ज़्यादा हमारे देश में क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स डाई हो जाते हैं, मतलब डेड हो जाते हैं। कहाँ पर डेड होते हैं? प्री सीड के पहले, यानी कि अगर हम इस स्टेज पर आए यहाँ, तो आप देखिए जो स्टार्टअप्स की डेथ वैली होती है वो आइडिया वैलिडेशन और प्रोडक्ट वैलिडेशन के बीच में ही रहती है। इसीलिए होती है क्योंकि उनका ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है पैसे का, या फिर उसका जो फाउंडर है, CEO है, वो कहीं ना कहीं उस आइडिया को लेकर के उतना कॉन्फिडेंट नहीं रह जाता। उसे लगता है ये आइडिया नहीं, इससे बेहतर ये कर ले। इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश रहनी चाहिए, लेकिन उसकी ओनरशिप भी होनी चाहिए। तो इस तरह से स्टेजेस ऑफ फंडिंग है। अब हम अपने सेशन को लास्ट में दो केस स्टोरीज के साथ समाप्त करेंगे। एक हम आपसे बात करेंगे कि फेल्ड स्टार्टअप की, और एक बात करेंगे सक्सेसफुल स्टार्टअप की। इससे पहले अब तक हम लोगों ने जो वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग, स्टार्टअप एंजल इन्वेस्टमेंट के बारे में जो चर्चा किया, काफी कुछ तो मैंने उसके सराउंडिंग में ही बोला। क्यों? क्योंकि फंडिंग तो एक बहुत छोटा और वैसा पार्ट है जो जिसके फंड को रेज करने के लिए बहुत सारे जो इकोसिस्टम की जरूरत होती है, उस पर हमने आज ज्यादा चर्चा की है। इतने में अगर किसी को कोई भी प्रश्न हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो, तो वो हम ले लें, उसके बाद हम दो स्टोरीज बताएंगे, एक सक्सेसफुल की, एक फेल्ड की। आपको उसमें होमवर्क होगा ये देख कर बताना कि इन दोनों में कॉमन क्या है, क्यों कोई सक्सेस हो गया, क्यों कोई फेल हो गया। एक स्टोरी हम US की लेंगे, एक स्टोरी इंडिया की लेंगे। अब तक मैं किसी को कोई अगर डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कुछ और आप सुनना चाहते हो, कुछ और आप हमसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हो। सर क्वेश्चंस हैं एक दो, लेकिन वो हम सेशन के बाद ले लेंगे, आपका ये जो बता देंगे आप, ये जो एग्जांपल्स दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं सक्सेस स्टोरी पर। Airbnb का नाम आपने सुना होगा, हम इस स्टोरी को स्टोरी के फॉर्मेट में आपको सुनाते हैं। बाकी स्लाइड पे जो लिखा है वो आप तो देख ही रहे हैं, इसके पिक्चर आप लोग क्लिक कर सकते हैं, ये काफी कॉमन है, इंटरनेट पर भी यही स्लाइड एज इट इज मिल जाती है। दो फ्रेंड्स थे, सपोज एक का नाम था, एक का नाम ब्रेन था, वो इंग्लैंड के, मतलब वो US के थे, इसलिए उनके ऐसे नाम थे। हमारे यहाँ पे होते एक का नाम अभिषेक, एक का नाम अखिलेश, इस तरह से। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन शहर में क्या था, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था। उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे बाहर से लोग आए हुए थे, अभी कहते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम तो था नहीं, 2007 की बात है, तो उसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे, होटल सारे बुक हो गए थे।
रहने के लिए जगह नहीं थी। इन लोगों ने सोचा कि भाई हमारे पास जो पैसे तो है नहीं, हम क्या करें, रहने खाने का भी कोई जुगाड़ नहीं है। तो उन्होंने अपनी मैट्रिक्स यानी जिस पर सोते थे वो गद्दा, उसको रेंट पर दे दिया। दो तो तीन लोग मिल गए और पैसे भी इनको मिल गए। इन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि भाई चलो ये तो बहुत अच्छा बिजनेस प्लान हो सकता है, इसे क्यों ना पूरे देश में फैलाया जाए, पूरे देश में इस पर बात की जाए और इसको हमें एक स्टार्टअप का आइडिया आया। ये आइडिएशन स्टेज था, यानी ये वो स्टेज था जब इनका आइडिया था, ओन आइडिया। तो ये लोग इस तरह का एक वेबसाइट वगैरह बना लिया और उसको लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने से पहले इन्हें कुछ को फाउंडर्स की जरूरत पड़ी, क्यों, क्योंकि वेबसाइट बनाना, वेबसाइट बनाना तो इनको आता नहीं था। तो उसने कुछ वर्डप्रेस या समथिंग किसी और प्लेटफॉर्म पर एक छोटी सी वेबसाइट कुछ पेजेस की बना दी। आइडिया चल पड़ा, कुछ लोग और मिलते गए, इन्होंने अपनी एक कंपनी भी डाल दी, फाउंडर को फाउंडर लॉन्च हो गए पूरे, मतलब अब इनको सेलिब्रिटी वाला फील आने लगा कि हम तो एंटरप्रेन्योर बन गए। लेकिन अचानक क्या हुआ कि सिर्फ कुछ शहर में तो चला, कुछ लोगों ने जाना, कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा। फंडिंग भी मिल गई, पहला फंड भी इनको रेज हो गया था 2007 में। वाई वाई कॉम्बिनेटर एक एंजल इन्वेस्टर है, उसने इनको इन्वेस्ट किया। लेकिन फिर भी ये ग्रो नहीं हो रहा था। ग्रो क्यों नहीं हो रहा था, ये देखने के लिए ये लोग खुद गए मार्केट में, तो पता लगा, कुछ लोगों ने बताया कि आपकी तो वेबसाइट पे फोटो ऐसी है कि बेकार, देखने में नहीं अच्छी लगती है। ठीक है, हम फोटो खींचने चलते हैं। ये लोग जहां जहां पर इस तरह के अपने फ्रेंचाइजीज दिए थे या जिन लोगों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया था, उनसे गए, उनसे मिले, उनके फीडबैक को सुना। तो फीडबैक को सुनने के बाद इनको पता लगा कि अच्छा, इसमें तो इससे फोटो की नहीं, बहुत सारी कमियां थी हमारे स्टार्टअप में। बहुत सारे लोग तो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे उनके यहाँ गेस्ट आए जिन्होंने जिन्होंने क्या हुआ रहे और साथ में गए तो कुछ और घर का, मतलब कुछ और गड़बड़ भी करके चले गए, पंखे का स्विच खराब करके चले गए। इसका पैसा तो हमारे स्टार्टअप में कहीं से मीट आउट होता ही नहीं है, इसका तो हम कोई गारंटी नहीं देते। तो इस तरह से इन्होंने अपने पूरे बिजनेस मॉडल को ही कोई रिव्यू करना पड़ा, पूरा फिर से रीमॉडलिंग किया अपने बिजनेस प्लान। उस समय के लिए फिर चला, उस समय डोनाल्ड ट्रम्प साहब का इलेक्शन था अमेरिका में, बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह आना जाना हुआ। फिर इनका आइडिया बहुत अच्छा चल गया और इनको अच्छा लगा कि हाँ बहुत अच्छा है। कुछ और जगह बड़े फंड के लिए गए, सीड फंड के लिए, सीरीज फंड के लिए, सीरीज ए सीरीज बी के लिए, लेकिन रिजेक्शन मिलने लगे। वजह क्या थी कि इलेक्शन खत्म, अब क्राउड कम हो गया, आधा हो गया, 30-40% बचा। फिर इनके पास जो लोग, भाई इनका तो बिजनेस इस तरह चल रहा था ना, जितने ज्यादा लोग रेंट पर मैट्रिक्स को लेंगे, रूम को लेंगे, उनको ब्रेकफास्ट भी दे रहे थे, उन लोगों से इनको पैसा गेन हो रहा था। इलेक्शन के बाद वो भी खत्म, अब क्या करें, फिर रिजेक्शन मिलने लगे। होता क्या है, जैसे जैसे स्टार्टअप ग्रो करता है उसकी टीम बढ़ती जाती है, उससे ज्यादा लोग एफिलिएट होते जाते हैं। एफिलिएट लोग होते हैं अपने प्रॉफिट से, अपने मार्जिन से, अपने फायदे से, तो वो लोग उतनी जल्दी दूर भी हो जाते हैं क्योंकि उनका फायदा नहीं होता है, तो उनको क्या लेना देना कि होगा तुम्हारा कोई स्टार्टअप। फिर अब क्या करें, इन्हें ये समझ में आया कि भाई मार्केट सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे स्टार्टअप के लिए। खोजते खोजते ये लोग पहुंचे एक ड्रम वाले को, डीजे, जैसे अपने देश में डीजे होते हैं ऐसे वहाँ पे ड्रम, ड्रम वाले से कहा कि भाई ऐसा है कि हम आपके लिए ये सारा चीज जो है अरेंज कर देंगे, लॉजिस्टिक्स आपका अरेंज कर देंगे, जो भी आपके ड्रम के लोग हैं, म्यूजिक सिस्टम के, जहाँ भी जिस शहर में भी जाएंगे हम उनको रहने खाने का बंदोबस्त हम करेंगे, आप हमें इतने रुपए दे दो, इन्वेस्टमेंट करो आप। उसने कहा नहीं, इन्वेस्टमेंट तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास तो खुद ही अपना पैसा नहीं है, हम तो खुद ही दूसरे लोग मुझे बुक करते हैं, एडवांस बुकिंग देते हैं, तब हम उनके यहाँ काम करते हैं। आप, हम आपको ये कह सकते हैं कि हम आपको 1 साल के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया वो क्राउड फंडिंग वाला कॉन्सेप्ट, क्यों, क्योंकि क्राउड फंडिंग में क्या होगा कि बहुत सारे लोगों से आपको पैसा मिलता रहेगा और वो कंटिन्यूअस रहेगा। तो इस तरह से इनको क्राउड फंडिंग का एक सोर्स मिल गया उस डीजे से। अब डीजे का काम तो हमेशा चलता रहता है, यानी बैंड का काम तो हमेशा चलता रहता है पूरे साल, यानी इनकी मार्केट जो थी, जो एक इलेक्शंस पर, जो कुछ कॉन्फ्रेंसेस पर, जो कुछ क्या नाम है वेबिनार सारे सेमिनार्स पर डिपेंडेंट थी, वो ना होकर के अब एक ऐसी मार्केट में ये तब्दील हो गए कि जहां जहां पर भी ये बैंड जाएगा तो इनका बिजनेस तो एक फिक्स हो गया, यानी एक लेवल ऑफ रेवेन्यू इनका फिक्स हो गया, प्रोजेक्शन इनका, प्रोजेक्शन की लाइन इनकी स्ट्रेट हो गई। तो इस तरह से
फिर इनको सीड सेकेंड राउंड फंडिंग हुई। ये ऐसा स्टार्टअप है जो स्टूडेंट स्टार्टअप से शुरू हुआ और 3 बार बंद होने के बाद फिर, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक सक्सेसफुल बनने के लिए कितना कुछ डाउन टू अर्थ होना पड़ता है, कितना कुछ इन्होंने लर्निंग किया, फिर जाकर के ये अब 10 बिलियन वैल्यूएशन की कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है 2014 तक में, और अभी भी ये काम कर रहे हैं, अभी भी ये अपने इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं। अब आते हैं एक फेल्ड स्टार्टअप की स्टोरी पर। ये स्टोरी भी आप काफी, ये नाम सुना हुआ होगा, गुड़गांव का ही स्टार्टअप है, IIM के 2 बंधुओं ने इसको शुरू किया था, IIM अहमदाबाद के। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि भाई सुपर मॉल खोला जाए, ऐसा ऐसा मॉल जिसमें सारे सामान मिल जाए, अभी भी बहुत सारे मॉल हैं ऐसे, होम डिलीवरी हो सभी सामानों की, सभी लोग घर से ऑर्डर कर सके, और इनोवेटिव करने के लिए इसको 2 घंटे में हम डिलीवरी देते हैं कस्टमर को अपने, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा हो जाएगा। शुरू तो किया इन्होंने 2014 में गुड़गांव में इन्होंने शुरू किया, जनवरी से मार्च तक स्टोर ऑपरेशन दिल्ली एंड नोएडा में रखा, फिर अच्छा पेपर टाइप का नाम आप लोगों ने सुना होगा संभवतः, स्टूडेंट्स ने तो फिर हमारे फरहान सर ने तो सुना होगा क्योंकि आप लोग तो उससे उसी जोन के हैं। हाँ सर, एक सोशल मीडिया पे कई बार पेज, नहीं सर यूज तो नहीं किया, बट सोशल मीडिया पे इसका एक वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह, जी जी जी, काफी अच्छा चल रहा था दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में। 2015 आते आते इनको फंड भी मिल गया था, डेली आर्डर इनके 15,000-17,000 डेली आर्डर होने लगे थे, यानी स्टार्टअप तो चल पड़ा था। फिर क्या हुआ कि स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए इन्होंने उसको, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए, ज्यादा बड़ी मार्केट को कैच करने के लिए इन्होंने उस पर डिस्काउंट खूब ढेर सारे देने लगे, और ये कमिटमेंट करना शुरू किया कि हम आपको 2 घंटे में सामान पहुंचा देंगे। 2 घंटे में सामान पहुंचाने के लिए इनको बहुत सारे अपने स्टाफ को, अपने जो है डिलीवरी बॉय को, अपने जो ऐसे लोग हैं बैकएंड के स्टाफ को बफर में रखना पड़ा, होल्ड पे रखना पड़ा, जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो जाना है, 15,000-17,000 ऑर्डर आ रहे तो ठीक है, किसी दिन अगर 10,000 ही ऑर्डर आया तो बाकी लोग खाली रह गए, तो इनका बहुत सारा कैश बर्न हो गया बहुत सारा। फिर दूसरी फंडिंग भी नहीं मिली ऑन द सेम टाइम, अगर उसी रेशियो में दूसरा फंड भी कोई रेज हो जाता तो फिर आगे काम चलता। तो इस तरह से ये स्टार्टअप धीरे 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 करते हुए 14 से चला, 15 तक में बहुत अच्छा रहा, 16 आते आते अप्रैल तक ये क्लोज डाउन हो गए। ये एक फील्ड स्टार्ट, एक ऐसे एक स्टार्टअप की जो हमारे देश में है, अभी भी वो लोग काम कर रहे हैं, मे बी अगले 1-2 साल में, 3 साल में किसी और नाम से, किसी और इनोवेटिव आइडिया के साथ वो हमारे सबके बीच में होंगे। लेकिन ये एक स्टोरी है जिसको हम लोग लर्निंग के लिए काफी कुछ है। क्या लर्निंग है इसमें कि आपके मार्केट की स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, मार्केट आपका गैप, आपका मार्केट पे जो पकड़ हो वो बहुत मजबूत हो। ये सिर्फ तब हो सकता है जब आप इन दोनों लोगों की तरह खुद से जाएं फोटो खींचने और साथ में कस्टमर, साथ में उन लोगों से बात करें कि भाई हमारे बिजनेस प्लान में और क्या क्या ड्रॉबैक है। इस स्टार्टअप में पेपर टैप में कंज्यूमर का डायरेक्टली सीईओ से कोई ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म नहीं पाया गया। हो सकता है उनको सामान तो मिल जाता रहा हो लेकिन क्वालिटी या कुछ ऐसा कंसर्न भी रहा होगा, तभी लोगों ने उसको यूज करना कम किया धीरे धीरे। उसके जहां पर एक दिन में 17,000 ऑर्डर कम नहीं होता, काफी बड़ा नंबर है, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाए और अप्रैल आते आते स्टार्टअप बंद हो जाए, लॉजिस्टिक्स कैसे करें। तो ये 2 स्टोरी थी जिस पर हमने अपनी बात को रखा है। हमारे पास बहुत ज्यादा, मैं स्लाइड्स पर नहीं प्रेजेंट करता हूँ, मेरा कोशिश होता है कि आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँ ताकि आप लोगों के भी इनपुट मुझे मिले और वॉट एवर पॉसिबल मैं उस पर अपना गाइडेंस, अपना सजेशन, अपना एक्सपीरियंस जो मैं 4-5 साल में कम से कम 20+ 20+ स्टार्टअप्स को मैंने ग्रो करते हुए भी देखा है, उनको सक्सेस पाते हुए भी देखा है, उनको फेल होते हुए भी देखा है। वो लोग अब जहाँ पे भी जॉब भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, तो भी उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जिसने, अगर आप फार्मेसी में हैं, आपने एक इनोवेटिव ग्लव बनाने का सोचा या इनोवेटिव ऐसे ग्लव्स बनाए जो अदर अदर पर्पस के लिए यूज हो, गार्डनिंग के लिए डिफरेंट कलर हो, यू नो किचन वर्क के लिए अलग कलर हो, यू नो फॉर डिफरेंट पर्पस अलग अलग कलरफुल ग्लव्स हो, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, ऐसे आइडियाज पर अगर आप काम करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके ओन्ड होंगे और उस पर आप
उस समय तक काम करते रहेंगे जब तक कि वो उसको आप सक्सेस ना कर पाए, सक्सेसफुल उसको ना बना ले जाए। कितना भी क्रिटिसिज्म होगा, कितने भी लोग उसको बताएंगे ये तो ऑलरेडी अमेजन पे मिल रहा है, ये तो ऑलरेडी है, ये तो ऑलरेडी है, लेकिन कोई चीज़ का ऑलरेडी एग्जिस्ट करना ये कतई नहीं कहता कि आप उससे वो स्टार्टअप आप फिर से नहीं कर सकते हैं। आपको वो करना ही है, बस शर्त ये होनी चाहिए कि आप उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट रखें, सो दैट आपका जो, और ऐसा हमने देखा है लोगों का जो बेडरूम होता है वो ऑफिस बन जाता है, स्टूडेंट फुल टाइम उस पर डेडिकेट होकर काम करते हैं, उतना शायद किसी एकेडमिक सब्जेक्ट पे नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसके हर एक पहलू को, हर एक माइन्यूट मेजरमेंट वो खुद करते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर काम करते हैं, और ये मैनेजमेंट, ये जो डेडिकेशन होता है ये उनके एकेडमिक्स में भी फायदा देता है, ये उनके प्रोफेशनल कैरियर में भी फायदा देता है, ये उनको लाइफ के हर एक एंगल पर जहां पर भी वो जाएंगे वहां पर वो इसका फायदा देगा। मैंने ही आज अपनी पीपीटी, ये सेम टॉपिक मैंने कुछ दिन पहले भी किया था, लेकिन फिर भी मैंने इसमें काफी कुछ इसको दो तीन स्लाइड और ऐड की है, दो स्लाइड अपने हटा दी है, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये स्लाइड मेरी अपनी है, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, इसके एक एक वर्ड को मैं अच्छे से डिस्कस कर पाऊँ, अच्छे से डिफाइन कर पाऊँ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें मेरी ओनरशिप है, और जब अगर मैं ये काम लेटर से किसी के कहने पर या किसी अदर बेनिफिट के लिए मैं कर रहा होता तो फिर मैं जनरली अपना एक घंटे में प्रेजेंटेशन 40-50 स्लाइड का दे देता, लेकिन आज मैं आपके साथ इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपसे भी मुझे इनपुट मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं सर, अब जो कुछ क्वेश्चन है उनको ले लेते हैं और फिर श्योर सर, ओके थैंक यू सर, एंड वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस। सर एक क्वेश्चन है, डॉक्टर कोमल है यहाँ फैकल्टी, कि हाउ एन एंजल इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्टअप विल हेल्प इन सेटिंग अप अ फिजियोथेरेपी क्लिनिक चेन। जैसे सर आजकल एनसीआर में काफी चेन है क्लिनिक्स की, कई लोगों ने तो जैसे क्लिनिक्स खोल रखी है अपने इन्वेस्टमेंट पे, कि एक चेन दिल्ली वेस्ट में है, एक दिल्ली ईस्ट में है, एक नॉर्थ में, साउथ में, तो इनका क्वेश्चन ये है कि क्लिनिक का चेन अगर खोलना हो तो इसमें एंजल इन्वेस्टमेंट कैसे। क्लिनिक को आप मुझे एक बार बहुत कम शब्द में बता दे तो अच्छा लगेगा। जी सर, व्हाट इज फिजियोथेरेपिक क्लिनिक? फिजियोथेरेपी सर एक जनरल सेटअप क्लिनिक सर, जिसमें हर तरह के पेशेंट्स आ सकते हैं जिनको जैसे जॉइंट पेन और बैक पेन, नेक पेन, बेसिक इस तरह की कंडीशन। जी, यानी आपका जो स्टार्टअप है वो मेडिकल हेल्थ से है और इसमें आपको जो एंजल इन्वेस्टर्स होंगे वो ऐसे लोग ही होंगे जिनका मेडिकल बैकग्राउंड होगा। बिल्कुल सर, वो मेडिकल में समझ पा रहे हूँ कि इसमें हम इतना, अगर मैं 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या 1 साल में 1,10,000 बनेगा या 1,80,000 बनेगा। एग्जैक्टली, you have to find, you have to identify such type of people, such type of company, such type of enterprises who either invested in such type in psycho in clinic chain or who are willing to invest, kyunki angel investment lena hai yani aapko kam paise ki zarurat hai so that aap isko successfully aap chala paye, aapke paas apni startup company to honi chahiye, otherwise koi saving bank account mein to paisa dega nahi, आपके पास एक अपना प्राइवेट लिमिटेड या कंपनी का फर्म होना चाहिए, तो इस तरह से आप इसको प्रोसीड करें सो दैट आपको एक बेहतर स्टार्ट मिल सकेगा। ओके सर, एनी अदर क्वेश्चन? व्हाट टाइप ऑफ टेली कंसल्टेशन सर? ये जैसे ये क्वेश्चन टेली कंसल्टेशन, आजकल जैसे डॉक्टर ज्यादातर काफी कुछ हो रहा है ऐप बेस्ड कर रहे हैं, सरकार ने भी तो हेलो डॉक्टर का एक टेली कंसल्टेशन ऐप शुरू किया है। आपका प्रश्न सर, व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स आर नीडेड, दो क्वेश्चन हो गए, पहले क्वेश्चन में था एंजल इन्वेस्टर, दूसरे में लिखा है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर तो कोई भी हो सकता है, वो इन पर्सन हो सकता है, वो कोई फर्म भी हो सकती है। लोग अगर फर्म होगी तो उसको इससे कोई मतलब नहीं कि आपका क्या आइडिया है, आप मेडिकल का आइडिया कह रहे हो, एग्रीकल्चर का कह रहे हो, मैनेजमेंट का कह रहे हो, फिनटेक का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न से मतलब होगा। इन्वेस्टमेंट में आपको इंश्योर करना पड़ेगा दैट आई विल गिव यू दिस परसेंट ऑफ रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। आप 10,00,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको 5% का या लेटर से 10% का 13% का वो रिटर्न देंगे। जबकि जो पहला क्वेश्चन था डॉक्टर कोमल का वो था एंजल इन्वेस्टमेंट का,
एंजल इन्वेस्टमेंट कोई इंडिविजुअल करेगा, वो आपकी फील्ड का होगा तभी उसे पैसा लगाएगा, तभी नहीं लगाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टर आर नीडेड फॉर स्टार्टिंग इन एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टर एंड मोर बेटर यू हैव टू गो एट एनी इंक्यूबेटर विच इनेबल्ड विद विद एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाईटेक, ऐसी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेटर्स होते हैं वो आपको बेहतर इस पे इन्वेस्टर्स दिला सकते हैं, उनके पास अपने भी फंड होते हैं। ओके सर, ये मिस उज़मा सैयद। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी? ओके Okay, as there are no further questions, we can conclude the session. So, I would now. Sir, startup चल रहा है अभी? Sir, exactly कहाँ? आपके industry में कुछ लोगों ने startup किया हुआ है? सर एक्चुअली हमारे कुछ एलुमनाई हैं, दूसरे कुछ डिपार्टमेंट्स के यूनिवर्सिटी लेवल पर उन्होंने कुछ स्टार्ट किए हैं, जैसे आईटी में या ये सर्जिकल वेस्ट एनसीआर में, बट वो बहुत ही अभी इनिशियल फेजेस में है, उनका अभी फुल रिपोर्ट नहीं है। फंडिंग फंड मतलब अभी वेंचर कैपिटलिस्ट के स्टेज से पहले होंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यस। ओके ओके, सो आई वुड नाउ लाइक टू कंक्लूड द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक अभिषेक नंदन सर फॉर सच इंसाइटफुल आइडियाज, एंड दिस सेशन हैज रियली बीन इनलाइटनिंग फॉर ऑल द members in this session. Sir has given us a good idea about angel investment and VC funding. I would also like to thank the IIC team of our university, our president TMU IIC, Dr. Manjula Jain ma'am, and our convener, Dr. Gitanshu ma'am. Thank you for the support and guidance, and thank you very much, sir. Thank you, sir.